फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी ब्रेकफास्ट की डिश, जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगी, जो है हमारे पनीर के पराठे। तो आइए जान लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 2 कप आटा डाल दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही करके ऐड करेंगे, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पराठे के लिए हमें सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। अगर हम हार्ड डो बनाएंगे तो इससे हमारे पराठे का फटने का डर रहेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से घूम ले रहे हैं और बीच बीच में हम इसमें ऑयल भी ऐड करते जाएंगे। ये देखिए, आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऑयल ऐड करते जाइए। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लेते हैं और एक इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा कुछ इस तरह बनके तैयार हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और इसको लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही गूंदते जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। और इसको इस तरह से करके एक कॉटन के गीले कपड़े से ढक देंगे और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लिया है कद्दूकस और इसको पनीर में अच्छे से क्रश कर लेंगे। देखिए, इस तरह से क्रश कर ले रहे हैं। देखिए, कुछ इस तरह से पनीर हमारा निकल रहा है। तो देखिए, मैंने पनीर को इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला पाउडर, अमचूर पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, चाट मसाला पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और ये सूखी लाल मिर्च। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये मैंने एक पेस्ट बनाया है जिसमें मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन थोड़े थोड़े से डाले हैं और इसको क्रश कर लिया है। तो चलिए, इसको भी ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें ज़ीरा और काला नमक पीस कर डाल सकते हैं, वो बिल्कुल चाट मसाला का ही काम करेगा। तो चलिए, अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इसमें हमको पानी को ऐड नहीं करना है, इस तरह से सूखी फिलिंग ही तैयार करनी है। जब आप हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को क्रश कर रहे हों तो उसमें भी पानी ऐड मत करिएगा।
वरना हमारी फिलिंग गीली हो जाएगी और पराठे बनाने में दिक्कत आएगी। तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और अब इसका छोटा छोटा सा पार्टीशन निकाल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको राउंड शेप में बना लेंगे हम। ये देखिए मैंने तीन डो छोटे छोटे तैयार कर लिए हैं और अब इनकी फिलिंग करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर सूखा आटा ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर कुछ इस तरह से शेप देंगे। देखिए ऐसे ऐसे करते जाएंगे और कुछ ऐसा शेप हमारा बनकर आएगा। तो अब इसमें हम अपनी फिलिंग को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको इसमें डाल देना है और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड से करते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। लास्ट में जब आएंगे तो ऐसे ऐसे करके देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ और यहाँ से आटा तोड़ के ऐसे निकाल लूँगी और इसको अच्छे से सील कर दूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा ये। अब इसको साइड में रख देते हैं। तो चलिए इसी तरह से दूसरे भी बना लेते हैं। इसमें आटा लगाया हमने सूखा हुआ और इसको फिर से इस तरह से किया। ये देखिए इस तरह से आटा लगाते जाएंगे और ऐसे ऐसे राउंड राउंड करते जाएंगे। जब कुछ इस शेप में आ जाए तो इसमें फिर से फिलिंग डालेंगे। देखिए ये फिलिंग हमने डाल दी है और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से घुमाते हुए इसको बना लेंगे। ये देखिए और इस तरह से जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसको ऐसे करके निकाल देंगे। इसको फिर से अच्छे से सील कर देंगे, ऐसे दबा के इसमें से थोड़ा सा सूखा आटा लेके लगा देंगे और प्लेट में रख देंगे। तो चलिए इसी तरह से बाकी भी तैयार। देखिए मैंने सारे डो बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको बेल लेते हैं। पहले इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और अब इसको अच्छे से बेल लेंगे। देखिए इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस ऐसे घुमा घुमा के बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। अगर हम इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हमारी फिलिंग बाहर आने का डर रहेगा। तो चलिए ये देखिए इस तरह से बेल लेंगे इसको। बस हमें इतना ही बेलना है इसको। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कुछ इतना ही मोटा रहेगा। चलिए इसी तरह से बाकी को भी बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने पराठों को बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो आइए एक पैन चढ़ा देते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और पैन को गर्म होने देंगे। जब पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा
तब अपने पराठों को उसमें डालेंगे। हमारा पैन अब गर्म हो चुका है और अब इसमें पराठे को डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से डाल दिया। अब इसको अच्छे से सिकने देंगे, फ्लेम को हाई पर रखेंगे और जब ये नीचे से सिक जाएगा तब इसको आप पलट देंगे। तो देखिए नीचे से सिक गया और मैंने इसको पलट लिया। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें ऑयल लगा देते हैं। आप चाहें तो इसमें बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं और इस तरह से इसको सेकेंगे। फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे। चलिए इसको पलट लेते हैं। ये देखिए देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। और अब फ्लेम को लो पर कर रख देंगे और इसमें नीचे से भी किनारे किनारे तेल डाल देंगे। और इसको ऐसे चलाते हुए अच्छे से सेकेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स ना कितना इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पराठे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं और अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरा पराठा भी बना लेंगे। देखिए किस तरह से मैं बाकी पराठों को भी बना ले रही हूँ। बस जब ये एक तरफ से सिक जाए अच्छे से तो इसको नीचे से उठा के देख लेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको अच्छे से सेकेंगे। ऑयल लगा देंगे किनारे किनारे से। इसको पलट लेते हैं। पलटने में आप थोड़ी सावधानी रखिएगा, कभी कभी जलने का डर रहता है इस तरह से। ये ऑयल डाल दिया। देखिए कितने टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं। अच्छे से सेकिएगा। देख रहे हैं हमारे पराठे फूल गए हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से सिक गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से सारे पराठे बनकर तैयार कर लिए हैं। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और इसकी कुछ ऐसे करके प्लेटिंग करेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं इसको। ये पराठा बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, इनको बहुत पसंद आएगा। घर पर भी बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारी फिलिंग दिख रही है और थिकनेस देखिए बस इतनी ही है। तो ये मैंने इस तरह से रख लिया प्लेट में। मैं इसको यहाँ दही के साथ सर्व कर रही हूँ। यहाँ मैंने दही ली है और इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इस पर। आप दही में चीनी भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। आप कुछ भी दही में डाल सकते हैं। तो लीजिए बनकर रेडी हो गया हमारा पनीर का पराठा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही डिलीशियस होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू।